हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम अनकेडमी प्लस पे लाइव पढ़ाते हैं। अनकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप प्ले स्टोर में जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आपको अनअकैडमी पे कंप्लीट बैच ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लें। तो सबसे पहले आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करते हैं आपके पास ये मिलेगा। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, आपके सामने ये प्लान मिल जाएंगे सभी। जो आपको प्लान अच्छा लगता है, आपके एग्जाम अनुसार आप अपने एग्जाम जारी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 12 मंथ का, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्लान यही रहता है। इसके अंदर आपको 58% डिस्काउंट मिल जाता है और 10% डिस्काउंट मैं दे दूंगा, तो 68% डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर आपको। जैसे ही प्लान सिलेक्ट करते हैं आप कंटिन्यू पर जाते हैं, आप कोड डालें, उसके बाद आपसे पूछेगा रेफरल कोड। आप कोड क्या डालें? हमारे चैनल का नाम एएम स्टडी पॉइंट। ये डालने के बाद आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको 10% की छूट हो जाएगी। पहले 12 मंथ की फीस 7,000 रुपये थी, जैसे ही आपने कोड अप्लाई किए 6,300 आपकी फीस होगी, 10% का आपका हो गया डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी पे 40+ टीचर आपको लाइव पढ़ाते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उनका समाधान भी करते हैं। आरपीएससी एग्जाम्स के लिए अच्छे अच्छे एजुकेटर वहां पर आपको करवाते हैं। तो आप जरूर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर प्लस पर सब्सक्रिप्शन जरूर लें। और जब आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको रेफरल कोड हमारे डालने हैं, और हमारे रेफरल कोड आप देख सकते हैं, मैंने बता भी दिए हैं, एएम स्टडी पॉइंट, जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है। अगर आप चाहते हैं, आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मेरे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। फॉलो करने के बाद आप हमें मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं हम अब। और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वॉइस की, ठीक है? जो कि आपके जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की, उन विद्यार्थियों के लिए ये सेशन मैं बना रहा हूं। तो कोई आपके हाई क्वेश्चन आते नहीं है ग्रुप डी के अंदर, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करने हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके कवर हो जाएंगे तो आप 90% क्वेश्चनों की जवाब दे के आ सकते हो। बस आपको बेसिक पे ज्यादा ध्यान रखना है। बेसिक को कवर कैसे करते हैं? आपको थोड़े बहुत रूल्स आने चाहिए। रूल्स अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको कुछ ऐसा मैटर होना चाहिए आपके पास, जिनसे आप क्वेश्चन के सही अप्रोच करके सही आंसर तक आप कैसे पहुंचे, तो ये बड़ा मैटर करता है। और हाई कोर्ट के अंदर आपको बताया इंग्लिश ग्रामर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो दोस्तों, वॉइस कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है एक्टिव वॉइस, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है पैसिव वॉइस। देखिएगा, अभी मैं आपको वॉइस के बारे में कंप्लीट सेशन लेने वाला हूं, तो सभी अंत तक बने रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और शेयर भी जरूर करें, ठीक है? ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार की होती हैं। यहां पर मैं आपको कंप्लीट रूल्स और क्या चेंजेज करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, ये बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन कौन से करवाने वाला हूँ? दो जो आपके अंग्रेजी के अंदर पूछे हुए हैं, आरपीएससी बोर्ड एग्जाम ने और आरएसएसबी बोर्ड एग्जाम ने, इन्होंने जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं और इन्होंने जो भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे हैं, वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? तो हमारा आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस पर जल्द ही प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आ जाऊंगा, और वॉइस भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी अंत तक बने रहिए, और यहां से आप बहुत कुछ सीखे जाओगे।
वॉइस कितने प्रकार की है मित्रों? वॉइस दो प्रकार की। कौन कौन से प्रकार हुए आपके? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कौन कौन से प्रकार? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ये एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है देखिएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो एम्फेसाइज होता है, ये एम्फेसाइज किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर। महत्वपूर्ण रोल अदा कौन करता है यहां पर? सब्जेक्ट करता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। यहां पर डूअर का काम कौन करता है? डूअर का काम करता है सब्जेक्ट। आपको अंतर बता रहा हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद पैसिव की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो एम्फेसाइज है, ये आपके किस पे पड़ता है? एक्शन पर पड़ता है। वो एक्शन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है पैसिव में, और एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, आप उदाहरण को अच्छी तरीके से देखिएगा। सॉरी दोस्तों, मैं उदाहरण लेता हूं, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। मैं यहां पर आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं। यहां पे एम्फेसाइज किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण रोल कौन कर रहा है? राम पर। एम्फेसाइज किस पर जा रहा है? राम पर। तो सब्जेक्ट पर इस पर ज्यादा प्रभाव है, तो ये आपके कौन सी वॉइस हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी एक्टिव वॉइस। इसी को वापिस में पैसिव में बना के आपको बताता हूं। ए लेटर इज रिटन बाई राम। तो अब राम जो है ये पीछे चला गया, और मेन जो एक्शन है वो किस पर पड़ रही है? ये मेन जो एक्शन क्या हो रहा है? ये रिटन लिखने का काम हो रहा है, तो ये मेन एक्शन इस पर पड़ रही है। तो ये पैसिव वॉइस जो है वो आपके कहां पर डिपेंड करता है, क्या एक्शन हो रहा है उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव के लिए, पैसिव के लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ नियम सिखाता हूं, साधारण सा सेंटेंस लेता हूं, आपको नियम सिखाता हूं कि आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदले। कन्वर्ट कैसे करें, आपको ये नियम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी सामान्य सा आप स्ट्रक्चर देखो, उसके अंदर क्या होता है? एक तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगी? वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये तीन पार्ट तो होते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लो। ये हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये आपके होते हैं एक्टिव के अंदर, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं? ये आपके सब होते हैं एक्टिव के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आपको तीन चार पॉइंट याद रखने हैं, उसके बाद आप इसको किस में बदलोगे? एक्टिव को पैसिव में बदलोगे, ठीक है। इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की क्या लगाते हैं? बी फॉर्म लगाते हैं। बी फॉर्म कितने प्रकार की होती है आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो अब क्या बनाएंगे हम? उस सब्जेक्ट को हम अब बना देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे उस सब्जेक्ट को अब हमें? उस सब्जेक्ट को अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट था जो अब क्या बन गया? बन गया
ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। तो ये किस रूप में आ गया, ये आ गया पैसिव रूप में, ये आपका बन गया पैसिव। साधारण रूल आपको यही पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, बी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाते हैं। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं। अब दोस्तों आपको दो तीन बातें और याद करनी है, ठीक है। देखिएगा एक्टिव वॉइस के लिए हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो याद करते हैं पॉइंटों को। सबसे पहले आपको कैसा, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट का पता कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा संज्ञा, या फिर आपका होगा सर्वनाम, या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसके बाद आता है, जस्ट वर्ब के बाद, वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ही आप एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं। तो वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तभी आप एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको कह दूं सी कैम हेयर, यहां पे आप क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे इस बात को। तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वर्ब के तुरंत बाद, ये बात याद रखिएगा, वर्ब के तुरंत बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप क्या बना सकते हो, एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो। ये बात तो आपको कंठस्थ ही कर लेनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको हम ये बताते हैं कि दोस्तों आप कैसे पहचान करते हो बी फॉर्म की। जो मैंने बी फॉर्म आपको बताई है वो क्या होती है, बी फॉर्म की बात करें तो मित्रों आपके होती हैं इज, एम, आर, और कौन सी होती हैं, वाज, वर, और कौन सी होती हैं, बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंतर्गत कौन सी होती हैं, बीइंग। तो ये तो होती हैं सबकी बी की फॉर्म, तो ये बी की फॉर्म है। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मानते हैं, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बीन कब यूज होता है, परफेक्ट में, वाज वेर कब यूज होता है, पास्ट, ठीक है, और इज एम आर प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये है आपके इस प्रकार की बी की फॉर्म, याद रख लोगे। उसके बाद हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करते हैं, अगर सब्जेक्ट दिया हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या है, इज एम आर वाज वेर बीन, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके मेन वर्ब आई हुई हो, मेन वर्ब जो जैसे आपके जाना को, गो वेंट, गोन हो गई, ये सब जो मुख्य वर्ब होती है इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, इस ये आपके एक्टिव फॉर्म में हो, तो आप इसे पैसिव में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको पहले वाला रूल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कौन बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब वो रखते हैं जो हम चेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सब इज एम आर वाज वेर बीन, ये सब टेंस की फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब है सभी ये, ठीक है। और इन हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे बदलते हैं, वो जैसे मैं आपको टेंस परिवर्तन बताता जाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद वह हम बी रखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म डालते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट लेके आते हैं जो अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये आपके बन गए अब एक्टिव वॉइस। तो कोई भी एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, बी फॉर्म से समझ आया आपको,
बी फॉर्म से क्या समझाया आपको, समझाया यहां पर इज एम आर रख सकते हैं, वाज वे रख सकते हैं, बीन रख सकते हैं, बिंग रख सकते हैं, ये कंडीशन अप्लाई होगी अलग अलग प्रकार की, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं हम टेंस के अंदर क्या कुछ बदलाव होते हैं। टेंसेज में परिवर्तन, टेंस में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। टेंस कितने प्रकार के, टेंस मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं है तो जल्दी टेंस भी करवा दूंगा। तो टेंस तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के कितने कितने भाग हैं, चार चार भाग, ठीक है। तो इन चार चार भागों के हम करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, उसी प्रकार से फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस में बदलते हो ये बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और किस टेंस की बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें क्या होता है, आप सभी को स्ट्रक्चर पता ही है, सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, प्लस है ऑब्जेक्ट होता है, यह तो होता है आपका एक्टिव फॉर्म। पैसिव इसमें इसको कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या रख देंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एस या ई एस आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस किस में बदलेगी, इज एम आर के साथ में, ठीक है। तो यहां पे हम क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर क्या डालेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट ला देंगे, और ये आपके तैयार हो गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कवर, ठीक है। उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राम राइट्स ए लेटर, ये आपके हैं एक्टिव वॉइस में। मैं आपको कहूं पैसिव में बदलो, आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहचानोगे, उसके बाद वर्ब को देखोगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओ ए लेटर, ए लेटर ले आए, उसके बाद एस या ई एस को किस में बदलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को किस में बदलते हैं, या इज में, या एम में, या आर में। इज एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम आई के साथ, ठीक है। तो ए लेटर क्या लिखोगे, इज, इज आ गया। वर्ब की क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो ए लेटर इज रिटर्न बाई, बाई लगाओगे, और सब्जेक्ट ले आओ राम। तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस, किसका बना, प्रेजेंट सिंपल का। ए लेटर इज रिटर्न बाई राम, ये हो गया आपके कवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक उदाहरण और लेते हैं आपके लिए, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट क्या एक्टिव में है, इसको आप किस में बनाओ, पैसिव में। क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट,
क्रिकेट एक वचन है इज लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, बाई लिख दो, दे दे किस में बदल जाएगा, देम के अंदर, दे को किस में बदल दो, देम में, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। ये हो गए आपके कवर, ठीक है दोस्तों। अब आगे किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल हो गया। अब मैं वो अलग अलग नहीं बता रहा हूं, नेगेटिव का क्या होगा, डब्ल्यू एच का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वालों का क्या होगा, ये अलग अलग नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आपको जैसे मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा तो आप सीख जाओगे, अलग अलग करवाने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कह दूं इसको नेगेटिव बनाओ तो आप यहां पे नोट लिख दोगे, मैं कहूं हेल्पिंग वर्ब बनाओ तो आप हेल्पिंग वर्ब इसको पहले लेके आ जाओगे, डब्ल्यू एच वर्ड आप पहले लिख दोगे, ये सब आप जानते हो, सामान्य सी बातें हैं, तो इसको ज्यादा घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स पर टिके रहो और अच्छी तरीके से समझ लो। आगे किसकी बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सामान्य सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट, ये तो होता है एक्टिव वॉइस के रूप में, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसको कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट से पहले आप क्या ले आओगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या ले आओगे, सब्जेक्ट, तो ये किस रूप में बन गया, पैसिव के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब आपको देते हैं उदाहरण और उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरीके से इस बात को समझना कि किस प्रकार से आपके इसके उदाहरण हो सकते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो आपको एक दे रहा हूं, द गार्डनर प्लक्ड फ्लावर्स। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे, फ्लावर्स, ये बहुवचन है तो आप क्या लिखोगे, वाज लिखोगे या वर, वर लिखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, बाई, फिर क्या ले आओगे, सब्जेक्ट द गार्डनर, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट है, ये था सब्जेक्ट है, और ये थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हमने बदल दी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये वर आ गया बहुवचन के कारण, फ्लार्स क्या था, बहुवचन था, इसीलिए वर आ गया। तो ये भी आपके हो गया, आप कंप्लीट, पास्ट इंडेफिनिट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ, किसकी तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल या सेल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये किस रूप में होता है, ऐसा एक्टिव रूप में होता है। इसको पैसिव में बदलो, पैसिव में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल या सेल ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ले आओ, ये किस रूप में बन गया, पैसिव रूप, ठीक है मित्रों। जैसे इसकी हम बात करें, आपके सामने एक उदाहरण लेके आते हैं जिनसे आप इसको समझना, राम
विल रीड बुक, यह है एक्टिव के रूप में, किस में बदलो, पैसिव में। कैसे बदलोगे दोस्तों, आप यहां पर लिखोगे ऑब्जेक्ट को बुक है, विल के बाद में बी, रीड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई राम आ जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। जो अब ये किस रूप में बदल गया, पैसिव में। ये भी आपको हो गया याद, यानी कि विल और सेल को सेम टू सेम रखना है, उसके बाद बी लिखना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कोई भी मॉडल आ जाए विल विल या सेल की जगह, तो उसके साथ में भी हमें बी ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है मॉडल में। जैसे आपके विल सेल कैन कुड कुछ भी आ जाए तो मॉडल का मॉडल रहेगा, उसके बाद में बी आएगा। अगर इसकी जगह कैन आ जाता तो भी यहां पर कैन बी करते हम, ठीक है, चेंज नहीं करना है मॉडल को, ठीक है, ये बात भी आप याद रखो। तो आपके प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब बात करते हैं दो नंबर वाला, कंटिन्यू आता है, कंटिन्यूज टेंस कौन सा आता है, कंटिन्यू। इसको कैसे चेंज करते हैं देख लो सभी। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद कंटिन्यू के अंदर इज, एम और आर होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होती है, प्लस से ऑब्जेक्ट होता है। ये कंडीशन होती है एक्टिव वॉइस की। पैसिव उसमें कैसे बदलते हैं, सबसे पहले किसको ले आओ, ऑब्जेक्ट को, किसको ले आओ, ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इज एम आर का सेम रखो, बदलो मत। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो इसकी फॉर्म कौन सी बनेगी, बिंग फॉर्म आ जाएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दो, उसके बाद बाई रख दो, फिर आप रख दो सब्जेक्ट, ये क्या बन गया, पैसिव। क्या बन गया मित्रों, पैसिव। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इज एम आर के साथ बिंग लगाया और वो सेम टू सेम अप्लाई कर दिया जो पहले हम करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों आपके लिए मैं देता हूं, द बॉय इज क्लाइंबिंग ए क्लिफ, ठीक है, ये आपके एक्टिव रूप में है। पैसिव में बदलने की कोशिश करो, कैसे बदलोगे, ए क्लिफ इज सेम रहेगा, बिंग आ जाएगा, इज बिंग क्लाइम्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई लिख दो, दा लिख दो बॉय, बाई दा बॉय सब्जेक्ट ले आई, ठीक है। ये किस रूप में बन गया, बन गया पैसिव रूप में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बातें हैं आपने कर ली। ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यू। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यू, किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यू में आपके सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वर होता है, उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो होता है एक्टिव रूप में। पैसिव में कैसे बदलोगे, ऑब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद वाज या वर ले आओ, उसके बाद बींग ले आओ, आईएनजी है तो बींग तो आएगी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आओ, थर्ड, प्लस बाई कर दो और उसके बाद सब्जेक्ट कर दो। ये किस रूप में बन गया, पैसिव रूप में, ठीक है। जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, आईएनजी है इसीलिए बींग बनेगा।
ये याद रख लेना थोड़ा सा। वर्ब के साथ में आईएनजी आ रही है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? बींग में। वाज वेर इज मार को अलाना नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम रखना है। उदाहरण की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। सीता वॉज मेकिंग ए कॉल, मेकिंग ए डो लिख दो, सीता इज मेकिंग ए डो, कन्वर्ट करो। ये एक्टिव रूप में है, पैसिव में कन्वर्ट करो। ऑब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट ए डोल, वोज का वोज रख दो, फिर क्या लिख दो? बींग। बींग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकिंग की हो जाएगी मेड, उसके बाद बाई लिखो, फिर लिख दो सीता। सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और ये क्या रूप बन गया? पैसिव रूप आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपके फ्यूचर कंटिन्यू आता है, जो अभी जो वर्तमान में ट्रेंड के अंदर जो पैसिव चल रहे हैं उसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यू जो टेंस है आपका उसका बनता नहीं है, न पूछा जाता है क्वेश्चन और न बनाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर होता तो मैं विल सेल के साथ में बिंग लगा के आपको बता देता, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। और किसका नहीं बनता है? और आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के किन का नहीं बनता है? इन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं बनता है। इन तीनों टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यू है उसका भी नहीं बनता है, ठीक है। तो चार टेंस हम ऐसे पढ़ेंगे जिनका पैसिव नहीं बनता है, इस बात को समझेगा। फ्यूचर कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इनका नहीं बनाते हैं हम, ठीक है। अब आगे बचा कौन सा? परफेक्ट बच गया, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में पहले कौन से लेंगे? प्रेजेंट को ले लो नंबर वन पर, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है देखो, सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हैज या हैव होता है उसके साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है। ये तो होता है एक्टिव रूप में, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। ये किस रूप में बन जाएगा? पैसिव रूप में। कैसे बनेगा प्यारे मित्रों? सब्जेक्ट, उसके साथ में हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव रूप में। पैसिव में कैसे बदलोगे? पैसिव में बदलने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट हैज हैव, उसके साथ बीन डालना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण लेके आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। आपका है आई हैव कट द ट्री, कट द ट्री, ठीक है। इसका ये एक्टिव रूप में है, पैसिव बना के देखो। सबसे पहले क्या लिखो? ऑब्जेक्ट लिखो द ट्री, उसके बाद हैज या हैव तो हैज, बीन लिखोगे बीन, कट का कट रहेगा थर्ड फॉर्म, कट बाई मी, तो आई किस में चेंज हो गया? मी में। दे किस में चेंज होता है? देम में। वी किस में चेंज होता है? अस में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सी किस में चेंज होता है? हर में। ही किस में चेंज होता है? हिम में। तो ये भी आपको याद रखो, ही का बन जाता है हिम, सी का बन जाता है हर, आई का बन जाता है मी, वी का बनता है अस, डेट का बनता है देम। ये भी आप याद रखो साथ साथ में, ठीक है, ताकि कहीं पर आई आए तो
तो आप मी करो ना कि आई का आई रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, सामान्य क्या संरचना होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस रूप में है। ये दोस्तों आपके हैं एक्टिव रूप में, पैसिव बनाओ। जैसे ही हम पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट आ जाता है, हेड का हेड रहता है, हेड के साथ में क्या लिख देते हैं, बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। ये क्या बन गया, पैसिव बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हेड बीन और अब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के, राम हेड रीड बुक, ठीक है। तो राम हेड रीड बुक, आप क्या करोगे इसको एग्जांपल को, पैसिव बनाओगे, बुक है हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाई राम, ये हो गया आपका पैसिव, और ये किस रूप में था, एक्टिव रूप में, ठीक है। प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे किसकी बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। चलिए देखते हैं साधारण क्या संरचना क्या होती है। तो इसमें इसमें आपके सब्जेक्ट है, विल हो सकता है, सेल हो सकता है, विल सेल की जगह कोई मॉडल भी आ सकता है, उसके साथ में हैव, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव रूप में। इसको पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएं, सबसे पहले क्या लिखें, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल सेम टू सेम लिख दो, उसके बाद हैव बी सेम टू सेम लिख दो, उसके बाद क्या लिखो, बीन लिखो, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से देखें तो आपका द पुलिस विल हैव किल्ड हिम, ठीक है। ये आपका है एक्टिव वॉइस, द पुलिस विल हैव किल्ड हिम, पैसिव बनाते हैं। हिम का क्या बनाओगे, अभी बताया था ही का बनता है हिम, तो हिम का क्या बनेगा, ही, सबसे पहले लेके आओ ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले आए, विल का विल रखो, हैव का हैव रखो, साथ में जोड़ो बीन, जोड़ दिया बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो किल्ड, उसके बाद किल्ड बाई द पुलिस, ये आपका हो गया पैसिव, ठीक है मित्रों। तो ये थे कुछ आपके एक्टिव और पैसिव के नियम, और मैंने उदाहरण के माध्यम से बताई। अब कई मित्र ऐसे हैं जो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर अगर हमारे क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो जाएं, सर अगर हमारे हमारे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएं, अगर हमारे बीच में नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं, तो हम उसका कैसे करेंगे। दोस्तों आपके पास में बेसिक टेंस के रूल्स हैं, ठीक है। W वर्ड जहां पे है वहीं रखो, बाकी अपना रूल रखो। हेल्पिंग वर्ब जहां पे है वहीं रखो, अपना रूल
रखो बस पास में, कि इज एम आर आ जाए तो हम क्या करेंगे, वाजवर आ जाए तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म को किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, बी कहाँ लगाते हैं, बीन कहाँ लगाते हैं, बिंग कहाँ लगाते हैं, ये आपको पता हो तो आप ये नॉर्मल क्वेश्चन गलत नहीं कर पा सकते। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही याद रखना, अंत के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सूत्र होता है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपका बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके बाई और फिर आपके सब्जेक्ट। ये एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में साधारण सा नियम है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो भी आपके डाउट अभी क्वेश्चन के रूप में आ रहे हैं वो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से तो आपके हो जाएंगे कवर। और मुख्यतः दोस्तों आपके यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट, जो भी एक्टिव और पोस्ट पैसिव जो पढ़ाने लायक थे वो मैंने करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको तब करवाऊंगा जब हमारे क्वेश्चन करेंगे हम, तब मैं आपको हो कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर करते रहिए, और अनअकैडमी प्लस पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल की, वहां पे जाइए फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद अपना प्लान सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें और रेफरल कोड डालें एएम स्टडी पॉइंट और अप्लाई कर दें और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, हम अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाते हैं तो आप हमारे साथ वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो फैला दीजिए इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, और जल्द ही आपके लिए एक ग्रुप डी के लिए सेशन आने वाला है, राजस्थान का पहनावा, ठीक है, वेशभूषा ये आने वाला है, तो उसका भी आपको शेड्यूल देख लेना है आएगा। और उसके साथ साथ हिंदी का भी आज एक सेशन आएगा, कल नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाया था उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आज आपके तीनों सेशन आएंगे, इंग्लिश हिंदी और राजस्थान जीके, तीनों से आपके सेशन बनने वाला है। सभी शेयर करते रहिए, और इसके साथ साथ दोस्तों जल्दी आपके कांस्टेबल के बैच भी शुरू कर रहे हैं और पटवार के भी, तो बने रहिए आप हमारे साथ और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।